बालाघाट में एक तेज रफ्तार यात्री बस मंगलवार को पेड़ से टकरा गई। घटना में 5 यात्री घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा में भर्ती कराया गया है, जहां से उपचार के बाद 4 घायलों को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार रोजाना की तरह मंगलवार को भी परसवाड़ा में लामता होते हुए यात्री बस बालाघाट आ रही थी। तेज रफ्तार यात्री बस लामता रोड पर काला पानी के समीप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। घटना की सूचना मिलते ही परसवाड़ा थाना प्रभारी जितेंद्र बघेल और उनकी टीम मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि छोटे बच्चों को कुछ नहीं हुआ, जिससे बड़ा हादसा होते होते बच गया। जानकारी देते हुए नगर निरीक्षक जितेंद्र बघेल ने बताया कि बाल बाल बचे एक नन्हे शिशु और एक छोटी बालिका को मैंने उनको घर तक पहुंचाया है। गनीमत रही कि उक्त छोटे बच्चों को कुछ नहीं हुआ, नहीं तो अचानक घटी इस घटना में शिशु के जान को खतरा हो सकता था। बहरहाल परसवाड़ा पुलिस ने बस में सवार घायल लोगों के बयान लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। बस पलटी नहीं है जी, बस एक्चुअली में रोड के किनारे पेड़ से जाके टकरा गई है जी। जी, उसके सामने का पोर्शन डैमेज हो गया है। बस में करीब 8-10 यात्री थे, उसमें से 5 लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर हम तत्काल एम्बुलेंस और डायल 100 और पुलिस मोबाइल पहुंचाकर तुरंत घायलों को इलाज के लिए CHC परसवाड़ा में एडमिट करा दिए थे। 5 लोग घायल है, जिसमें से 4 लोगों को रेफर कर दिया गया है। ड्राइवर के खिलाफ प्रथम दृष्टि अपराध पाए जाने से हमने अपराध पंजीबद्ध कर दिया। बालाघाट से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट।